यूपी के फिरोजाबाद में आज शिकोहाबाद नगर की मंडी समिति में विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अच्छे रुझान की खबर लगते ही कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का इजहार करते हुए नगर में मिष्ठान वितरण के साथ जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस दौरान फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने कहा, आज राष्ट्रभक्तों एवं कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम है जिनकी मेहनत से हम जीत हासिल कर रहे हैं। इस दौरान फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन, सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर ललित मोहन जादौन, जसराना चेयरमैन अवनीश गुप्ता आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से संवाददाता एस के चित्तौड़ी की रिपोर्ट, एस के एच न्यूज। के साथ साथ अन्य पार्टियों का भी जो जहां मतगणना स्थल पर देखा जा रहा है कि आज वोटिंग जो हो रही है, खोले जा रहे हैं, वोट खोल रहे हैं, तो यहां पर देखा जा रहा है कि रुझान जो आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं बीजेपी के। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार किस कंडीशन में बन रही है, कैसी बन रही है? योगी जी की जो कानून व्यवस्था है गरीबों के लिए, किसानों के लिए और सबके लिए इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, तो जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं योगी जी, इसीलिए और कार्यकर्ता तो जी जान से लगा ही था। जहाँ पर मैडम मैं देख रहा हूँ कि आज मतगणना स्थल पर एक बहुत बड़ा जुनून देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों के अंदर, तो जहाँ एक जुनून है, क्या ये जुनून बरकरार रहेगा? वो तो बिल्कुल बरकरार रहेगा। राष्ट्र के लिए सभी करना चाहते हैं, सभी राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करेंगे। जहां मैडम पार्टी के जब हमारा मतदान हुआ था उस समय पर कुछ वादे किए थे, क्या ये वादे किस हद तक जो निभाए जाएंगे? सारे निभाए जाएंगे, वो तो अब तक जो करे गए थे उससे और आगे जितने भी वादे किए हैं वो पूरे सच ही साबित होंगे। थैंक यू मैडम। ये मोदी जी और नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी की मेहनत का परिणाम है और कार्यकर्ताओं का जोश है, इसकी वजह से हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जहाँ पर एक जलीकट्टी जैसी भाषा का मैं अवलोकन देखता चला आ रहा हूँ, जहाँ विपक्षी पार्टियों के अंदर एक बहुत बड़ा जलीकट्टी बातों का उत्साह नजर आ रहा है, जहाँ एक लालचन वाली बात आ रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी ओछी मानसिकता है जो संतों के बारे में भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, संतों का अपमान है, पुलिस का अपमान है, उन्हें जनता जवाब दे रही है। थैंक यू। हमारे पर एक उत्साह नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर, जहां देखा जा रहा है कि उत्साह जुनून के साथ बड़े पैमाने पर बीजेपी आगे जा रही है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह राष्ट्रभक्तों और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, वो यह परिवार और यह न्याय। जहां पर एक प्रत्याशी एक दो मुझे ये भी ऐसे भी मिले जहां उनका ये कहना है सपा प्रत्याशियों का, अगर हमारा प्रत्याशी हारा तो हम खुद को गोली मार लेंगे, तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मानसिक संतुलन इनका खराब है या बीमार है, क्या है? ऐसे विचार रखना सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है, संघर्ष करिए। थैंक यू।